आज नुपुर शर्मा जो कि नबी गुस्ताखी टाइम टू टाइम करती ही जा रही है अपने सियासत सत्ता चमकाने के लिए और पार्टी में अच्छी जगह बनाने के लिए, क्योंकि बीजेपी का शुरू से ही रवैया रहा है कि उसके जिस लीडर ने, जिस स्पोक पर्सन ने बीजेपी के जिस स्पोक पर्सन ने इस्लाम के खिलाफ बोला है, नबी के खिलाफ बोला है और मुसलमानों के खिलाफ बोला है, उसको हमेशा से पोस्ट मिल अच्छा से अच्छा और ऊँचा से ऊँचा पोस्ट मिलता चला गया है। मंत्री बनने के लालच उसने नबी के खिलाफ गुस्ताखी कर बैठी है और उसे पता ही नहीं कि वो किस पर्सनैलिटी की गुस्ताखी कर रही है। वो पर्सनैलिटी जिसके लिए मुसलमान जिंदा किसी को जान दे भी सकते हैं और किसी की जान ले भी सकते हैं। तो नुपुर शर्मा पोस्ट के लिए कहा, मगर उसको तो भाजपा ने 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। भाजपा ने उसे सस्पेंड तब किया जब बाहर की गल्फ कंट्री ने उसके खिलाफ बोलना शुरू किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना शुरू किया और बीजेपी पार्टी के खिलाफ बोलना शुरू किया। 10 दिन से ये इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा था, लेकिन जैसे ही देखा गया कि अरब कंट्री इसके खिलाफ है, कतर के खिलाफ है, दुबई इसके खिलाफ है और ऐसे ऐसे वो अबू धाबी इसके खिलाफ है, जब सारे अरब कंट्री इसके खिलाफ हो गई तब जाके इसने काम करना शुरू किया कि इसे बस ढकोसला कि हम लोग ऐसे लोगों को अपने टीम से, अपनी पार्टी से बाहर निकालते हैं। ये बीजेपी की साजिश है, ये बाहर निकालना भी एक साजिश है। देखिए ये जैसे आपको पता है कि सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है, हमेशा से कभी नरसिंह आनंद हमारे नबी के खिलाफ बोलता है, कभी नुपुर शर्मा जो कल की पैदा हुई औरत हमारे नबी के खिलाफ बोलती है और इसकी अरेस्टिंग नहीं होती। हमें चाहिए सरकार से, इसके खिलाफ लोग FIR भी कराते हैं लेकिन अरेस्टिंग नहीं होती। अरेस्टिंग इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि इसे सरकार का सपोर्ट है, अगर सरकार का सपोर्ट नहीं है इसे तो इसे जल्द से जल्द अरेस्टिंग होनी चाहिए। आवाज़ नहीं आ रही है, FIR बहुत सारी जगह पे हो चुका है और बहुत सारे थाने जमशेदपुर में FIR लेने से इनकार कर रही है और उनका कहना है कि हम लोग FIR नहीं ले सकते, ये FIR वहीं होगा जहां का ये केस है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे मैं काउंट करा के फिंगर पे काउंट करवा सकता हूं कि ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जहां पे वहां का केस नहीं था लेकिन FIR यहां पे लिया गया। मैं कुछ दिन पहले के केस में बता रहा हूं कि जब सोनिया गांधी के खिलाफ किसी ने कुछ कहा था तो आज़ाद नगर थाना में जमशेदपुर के लोगों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने उसके खिलाफ FIR किया था और आज़ाद नगर ने उसका FIR लिया था। जब नबी के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ बात आती है तो लोग FIR लेने से इनकार कर देते हैं क्योंकि पार्टी का प्रेशर है और पार्टी का नाम बीजेपी है जो देश को खाने का काम कर रही है और अपने नाकामी को छुपाने के लिए वो लोग ये धार्मिक मुद्दे को लेकर आ रही है और अपने पार्टी को, अपने लोगों से बुलवा रही है और एक्टिंग करी उसको पार्टी से निकाल रही है, सस्पेंड कर रही है। झारखंड में सबसे इस चीज का FIR सबसे पहले झारखंड में किसी ने किया है तो गुमला में MIM की टीम ने किया है और मैं खुद MIM छात्र संगठन 7 छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ सरायकेला खरसावा का और MIM इसमें बहुत बड़ा स्टैंड लेने जा रही है और टाइम टू टाइम अलग अलग थानों में इसके खिलाफ FIR करने वाली है। ऊपर से हमारे इंस्ट्रक्शंस भी है कि हर जगह पे FIR करना और हम लोग करेंगे FIR। अहमद रजा।